हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ UPRTOU के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी बी एंड एंट्रेंस एग्जाम दिया था और अब वो उसमें लेकर के कुछ ना कुछ कंफ्यूजन उनको क्रिएट हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है। तो ऐसे कुछ कॉमन कमेंट्स को मैंने सिलेक्ट करा है यहाँ पर, जो आप सभी लोगों की लगभग सेम थी, सारी तो नहीं लाई जा सकती थी, बट सभी जो कॉमन कमेंट्स आ रही थी मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक दीजिएगा, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। UPRTOU से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। सो आइए विदाउट द डिले, विदाउट आपका टाइम वेस्ट करें, स्टार्ट कर दे, ऑन द पॉइंट आती हूँ। तो पहली जो क्वेश्चन मेन आ रहा है वो आ रहा है कि मैम अभी PG के लिए डेट एक्सटेंड होगी क्या? PG भी छोड़िए, जो भी एडमिशन चल रहे थे वो एक्सटेंड होगी क्या? उसकी डेट पहले 16 अगस्त थी, देन 31 अगस्त कर दी गई, तो क्या अब डेट एक्सटेंड होगी? जी हाँ, आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। कब तक एक्सटेंड हुए इसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है जल्दी वीडियो के थ्रू, वो आप देख लीजिएगा। तो एक्सटेंड आपकी डेट हो चुकी है। नेक्स्ट कमेंट है कि मैम प्लीज अगर BSc मैथ्स से हो तो मैथ्स या साइंस करना कंपलसरी है। इस तरह के क्वेश्चंस लगभग सभी लोग वीडियोस पे मुझे सुनने को मिले हैं, सभी लोग कि मैम मैंने BTech की थी उसके बाद मैंने एंट्रेंस में ये दो सब्जेक्ट चूज कर दिए, हिंदी इंग्लिश, तो गलत तो नहीं हुआ। मैम मैंने MBA किया था तो मैंने सिविक्स और हिंदी कर दिया तो गलत तो नहीं हुआ। तो इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगी। नेक्स्ट कमेंट पे चलती हूँ। नेक्स्ट है मैम 135 to 140 जनरल में क्या चांसेस हैं सिलेक्ट होने के? और कुछ कमेंट्स आए कि मैम मैं ओबीसी में हूँ, मैंने 80 क्वेश्चंस करे हैं तो क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी? मैम मैंने 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं टोटल, तो क्या मैं अटैम्प्ट हो जाऊंगी, सॉरी क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्या मेरा रैंक आ जाएगी अच्छी सिलेक्शन के लिए? तो मैं देखिए आपको बता दूँ, ये क्लियर कर दूँ, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर देखा गया है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा टफ था। हाँ, इस बार UPRTOU थोड़ी टफ क्वेश्चन का सिलेक्ट किया था आपके लिए। तो मैरिट मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैरिट दिखाई थी, रैंक जो गई थी आपकी वो थोड़ी हाई थी, उससे आपकी इस बार रैंक जो जाने वाली है वो लो जाने वाली है। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने कहा था 70 to 80 अगर जनरल के अंदर आप आते हैं, आपने ठीक क्वेश्चंस करे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, अगर और अभी ये बात पता लगेगी 70 to 80 नहीं, अगर 200 में से आपके 120 के नियर अबाउट क्वेश्चंस करेक्ट बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन होना गारंटेड है। हाँ, 120 के नियर अबाउट अगर आप करेक्ट करके आए अपने एग्जाम में तो आपके जनरल के अंदर आपकी सीट आपको मिल सकती है। ये मैंने अभी इस चीज़ को क्लियर करा है, ठीक है। 5 to 10% आपकी जो रैंक प्रीवियस वीडियो मैंने बताई है उससे लेस होकर ही आएगी, ठीक है। तो आपकी 135 और 140 का जनरल में है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट, आपके लिए सीट हो सकती है। नेक्स्ट आपकी ओबीसी के लिए भी 100 के नियर अबाउट जाने वाली है, 110, और SC और ST के लिए आपकी 100 के अबाउट ही जाएगी, 90 to 100, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, मैम ये देखिए फिर से वही कॉमन क्वेश्चन है कि मैंने BSc से PCM करी है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं इसका आंसर देती हूँ कि अगर आपने कोई भी कोर्स कर है, आपने ग्रेजुएशन किस कोर्स से करी है, आपने PG किसी भी कोर्स से करी, MBA, MTech, BTech, whatever you have done, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपने अपनी चॉइस में जो भी सिलेक्ट करे हैं क्वेश्चन पेपर्स, हिंदी इंग्लिश लिया है, इंग्लिश और कोई और सब्जेक्ट उसके साथ कंबाइन करा है, मैथ्स कर दिया है, तो उससे आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपके सारे टोटल होके मार्क्स आएंगे, बट जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो काउंसलिंग होगी उसमें टीचर काउंसलिंग भी छोड़िए, आपका एडमिशन हो गया पर्टिकुलर कॉलेज में, उसके बाद जो आपको सिलेक्ट करने होंगे ना फर्स्ट ईयर में, आपको दो सब्जेक्ट्स होते हैं खुद सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो जो दो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको प्रिफरेंस में मिलेंगे, मतलब कि आपने जब वो एंट्रेंस में दिए हैं तो आप उनको ले सकते हैं। अदरवाइज कोई और भी सब्जेक्ट, आपने इंग्लिश और हिंदी चूज कर लिया है लेकिन आप फर्स्ट ईयर में अब मैथ्स और साइंस लेना चाह रहे, तो उसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप तब भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, आपने किसी भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा है, ठीक है, सॉरी किसी भी सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करा है, हिंदी इंग्लिश वट एवर एनी सब्जेक्ट इन द टू चॉइसिस। सो अब ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, हर वीडियो के आंसर में देखिए आपका कॉमन कमेंट्स होते हैं तो उसके हर एक एक को आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी है कि मैं आप सबकी कमेंट्स का आंसर कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए मुझे वीडियो लेके आनी पड़ी कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मैंने ये देखा बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा था, तो मैंने सोचा इसके लिए मैं पूरा डाउट क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे कि मैम मैंने कैटेगरी गलत डाल दी है, कि
जो भी एंट्रेंस के लिए जब मैंने फॉर्म भरा था, तो मैं हूँ तो ओबीसी में पर मैंने जनरल डाल दिया। कुछ का था कि मैम मैं एससी में आता हूँ बट मैंने ओबीसी डाल दिया, और मैंने कुछ डिफेंस का उसके अंदर रिजर्वेशन कोटा के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर पाई हूँ। मैम मैंने मेरी कास्ट है पर मैंने ये वाला सर्टिफिकेट गलती से उसमें मतलब लिख दिया है कि मैं ओबीसी को बिलोंग कर रही हूँ एससी को। तो इसके लिए थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है एडमिशन टाइम पे, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपके ओरिजिनल लगेंगे। आप उस टाइम पे अगर आपने ओबीसी में आता और जनरल में आपने सिलेक्ट कर दिया है, तो आपको जनरल के अंदर सीट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो सर्टिफिकेट्स के टाइम पे भी आपको दिक्कत करेंगे। तो आपके लिए सॉल्यूशन ये है जो मैंने पता करा है यूनिवर्सिटी से। तो आपको करना क्या है, जिन्होंने भी कैटेगरी अपनी गलत कर दी है उनको जाना है रीजनल सेंटर पे, और कैटेगरी नहीं, अगर कोई और भी इशू कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे थे वो नहीं लगा पाए हैं आप कोटा रिजर्वेशन के लिए, तो आपको जाना है रीजनल सेंटर पे, जो भी आपके नियर अबाउट रीजनल सेंटर है यूपीआरटीओ का, वहां जाइए। आप एक एप्लीकेशन लिख करके लेके जाइए रजिस्ट्रार के लिए कि हमने ये सर्टिफिकेट हमें लगाना था बट हमने ओबीसी का नहीं, गलती से जनरल वहां पर फिल हो गया है, करेक्शन कराना है। उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखिए, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अटैच करिए, उनको सेल्फ असिस्ट करिए, और जाकर के वहां सबमिट कर दीजिए रीजनल सेंटर पे, वो आपका सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपका अटैच हो जाएगा और फिर वो करेक्शन अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि मैम मार्क्स कितने मैंने बता दिया है, कि बीएड का जो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन कौन से चाहिए। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके एक सेपरेट वीडियो मैं लिख के आऊँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में मुझे आपको समझाना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो सारी मेन चीज़ जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आंसर कर दी हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर न्यू है तो, और वीडियो को लाइक दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।